इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला बारबाडोस में खेला जाएगा। बारबाडोस में कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडियन टीम ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल का अपना टिकट पक्का किया। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात की जाए, साउथ अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 9 विकेट से हराकर अपना फाइनल का सफर तय किया। अब दोनों ही टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। बारबाडोस के मैदान में दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अब अगर वेदर की बात कर लें बारबाडोस में, तो यहाँ पर जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानसून का वक्त है और वहाँ पर बारिश देखी जा रही है और हर मैच में बारिश का थोड़ा बहुत खलल देखा जा रहा है। इंडिया इंग्लैंड के मैच में भी बारिश की थोड़ी बहुत संभावना हो रही थी और वहाँ पर बारिश ने खलल भी पैदा किया था और इस मुकाबले में भी बारिश को लेकर एक रिजर्व डे भी रखा गया है। लेकिन बारिश की जो संभावना है उसकी अगर बात की जाए तो दोनों ही दिन, मैच के दिन भी और अगले दिन भी जो कि रिजर्व डे है, दोनों ही दिनों में बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं और बार बार यहां पर बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि मौसम जो है वो साफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहां पर बारिश की आशंका है और पहले दिन बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, ओवरकास्ट कंडीशन होगी बार बार, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुकाबला जो है बार बार इंटरप्ट हो सकता है। तो मैच में बारिश के आसार हैं और ऐसे में रिजर्व डे रखा गया है और रिजर्व डे में भी अगर नहीं होता है मुकाबला तो फिर दोनों ही टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपने सुपर 8 के सारे मुकाबले जीते हैं और काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके ये दोनों ही टीमें आ रही हैं और दोनों ही टीमों लगातार अपने मुकाबले जीत कर आ रही हैं। ग्रुप स्टेज में भी अपने मुकाबले जीते, सुपर 8 में भी अपने मैचेस जीते, तो इस तरीके से दोनों ही टीमें अभी तक अनबीटन रही हैं। अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में 120 मिनट का अतिरिक्त वक्त भी दिया जाएगा और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 180 मिनट का अतिरिक्त वक्त दोनों दिन दिया जाएगा। अगर मैच डिले होता है या किसी केस में अगर मैच नहीं हो पाता है तो एक दिन में 180 मिनट का एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा इन मैचों में। और देखना होगा किस तरीके से अब ये मुकाबला खेला जाता है। बारबाडोस में इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें पहुंच चुकी हैं और अब तैयारियों में जुट चुकी हैं और 29 तारीख को फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा इंडियन टाइम के अनुसार 8 बजे रात को, और अगर वहां के लोकल टाइम के अनुसार बताएं तो 10:30 बजे सुबह वहां के लोकल टाइम के अनुसार खेला जाएगा। अब देखना होगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच इस महाजंग को कौन सी टीम जीतती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।